बिन पूरी करे ये खातर लेगा अपा यार पर सारा निवेदन है व्यवस्थित रूप में अपा ज्ञापन देवांगा कोशिश करांगा एसडीएम साहब मारे खुद सारा को नहीं देवे ना हुआ तो अपा जाके देखा और अब कोई भी भाई बोलना तो बोल सके व्यवस्थित रूप में बैठी हुई आराम से जो अपनी बात रखना चाहो आराम से एक छोटी सी बात बतावन में ना तो कोई मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पे ना कोई अन्य उद्योग यहाँ पे एकमात्र सारा सरकारी नौकरी है जो भी अपना कंडीशन बदलना चाहता है या मध्यम वर्ग में जाना चाहता है लोअर मिडिल क्लास से या गरीब परिवार से उनके लिए सिर्फ सरकारी नौकरी एकमात्र सहारा है उसमें ही अगर ऐसा इस प्रकार का किया जाएगा आरक्षण के वास्तव में अन्यायपूर्ण है और जिस प्रकार से अपन देख सकते हैं इसका लोग कहते हैं क्या प्रभाव होगा कुछ नहीं होगा लेकिन अपन देख सकते हैं कि बिहार के अंदर 50% किया गया उसके बाद लेकिन उसमें ये कंडीशन है अभी 1 लाख की भर्ती आई बिहार के अंदर थर्ड ग्रेड की उसमें भी कट ऑफ 80% गई 1 लाख की पोस्ट पे 80% कट ऑफ ना पेपर लीक होता है पेपर ही बहुत अच्छा लेवल का आता है बीपीएससी का फिर भी इस प्रकार के हालात महिलाओं को थर्ड ग्रेड टीचर में 50% आरक्षण के विरोध में युवा छात्र उपखंड कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने किया प्रदर्शन NSUI के बैनर तले धरना देकर छात्रों ने की नारेबाजी राज्य सरकार के विरोध जमकर नारेबाजी कर निर्णय वापस लेने की मांग 50% आरक्षण के निर्णय को बताया युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ SDM सीता शर्मा की ओर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा निर्णय वापस नहीं लेने पर राज्यव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी सरकार ने 3-4 दिन पहले जो एक महिलाओं के तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में 50% आरक्षण बढ़ाया उसको लेकर आज हमने मुख्यमंत्री के नाम से SDM मैडम को ज्ञापन दिया जिसमें ये कहा गया कि जो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है उस निर्णय पर आप ध्यान दें और उसको पहले जैसे आरक्षण की प्रक्रिया थी वैसे ही आरक्षण रखा जाए इससे क्या है युवा बेरोजगार साथियों में अन्याय हो रहा है और व्यापक असंतोष है अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो छात्र संघर्ष समिति की तरफ से एक भव्य आंदोलन सूरतगढ़ की धरती पे किया जाएगा।